एसएससी एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेरे 1028 नंबर आए हैं, और ये सब कुछ मेरे वालदैन की दुआओं और मेरे असाज़ा की मेहनत की बदौलत है। अगर हमारे असाज़ा कुर्तबा स्कूल के हमारे साथ ऐसी मेहनत ना कराते तो हम इस जगह तक मैं कभी ना पहुँच सकती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफाक खान है और मैंने मैट्रिक में 1030 नंबर कुर्तबा स्कूल से हासिल किए हैं। और इसमें मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इसके बाद जो असाज़ा कराम और जो वालदैन हैं उन्होंने जो हमारे साथ मेहनत की है उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा जो एम है वो डॉक्टर बनना है, और मुझे ये यकीन है कि ये एम जो है मैं सिर्फ कुर्तबा से हासिल कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम फातिमा मुस्तफ़ा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ कुर्तबा कॉलेज। आई हैव अचीव्ड 1045 मार्क्स इन 22 डीआई खान एंड आई हैव ऑल्सो अचीव्ड 15 पोजिशन इन बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह बिकॉज दिस इज ऑल द रिजल्ट ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, एंड आई वुड लाइक टू dedicate my whole entire success to my parents, especially to my extraordinary supportive father, and secondly to Kurtuba school and my entire staff, especially to Ma'am Alia Zainab, because this was all possible due to her guidance and her selfless effort. मेरा नाम अबिया फातिमा है और मैंने 1043 मार्क्स किए हैं मैट्रिक में डेरा बोर्ड में कुर्तबा स्कूल एंड कॉलेज से। ये सब हमारी सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने असातिज़ा का, हमारे प्रिंसिपल मैम आरिया का, जिन्होंने हम पर इतनी मेहनत की। पहले तो मेरा नाम मोहम्मद अवैस खान है, मैंने 1017 मार्क्स सेकेंड ईयर से डेरा बोर्ड से हासिल किए हैं कुर्तबा स्कूल एंड कॉलेज डेरा इस्माइल खान से। ये सब अल्लाह ताला का करम है, ये मेरे वालदैन की मेहनत, असातिज़ा कराम की मेहनत, तो उसके बाद मेरी अपनी मेहनत है और मैंने ये अचीव किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाले है, मैं कुर्तबा की एसएससी की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th क्लास में एसएससी में 1023 आउट ऑफ 1100 मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं आपको ये मैसेज देना चाहूँगी कि मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं इम्पॉर्टेंट, इसके लिए हमें मॉरल एक्सीलेंस की भी ज़रूरत होती है, जो इस स्कूल में बखूबी स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हारून है एंड मैंने 1037 मार्क्स कुर्तबा स्कूल एंड कॉलेज से हासिल किया। इसमें सबसे पहले जो क्रेडिट मेरे रब को जाता है जिसने मुझे इतनी सलाहियत दी, जिसकी इस काबिल बनाया कि आज मैं अवार्ड लेने के काबिल हो गया। इसके बाद मैं अपने वालदैन और अपनी उन असातिज़ा कराम जिन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतों को मतलब कि मद्देनजर रखते हुए उन सब की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मदीना रहमान, आई हैव अचीव 1030 मार्क्स इन एचएसएससी एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माय अल्लाह ताला हु अलॉटेड मी सच अ बिग अचीवमेंट। देन आई अप्रिशिएट माई फादर एंड गिव दिस क्रेडिट टू माई फादर हु आल्सो struggle a lot for me to focus only on your studies. Then I give credit to my teachers, school, especially my madam, Miss Alia. मेरा नाम पहले तो मोहम्मद मुताल अजीम है और मैंने सेकेंड ईयर में 8th पोजीशन हासिल की है कुर्तबा स्कूल एंड कॉलेज में और 1018 मार्क्स। जैसा कि आपको मालूम है कि आज की ये महफिल मैट्रिक और एसएससी के तलबा तलबात के लिए मुनक्किद की गई है जिन्होंने इस साल 2023 में इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल की, और ख़ास तौर पे मैट्रिक के वो तलबा तलबात जिन्होंने ना सिर्फ कुर्तबा बल्कि पूरे अपने वालदैन का अपने असातिज़ा का नाम रोशन किया। बच्चों के साथ मैं बात करना चाहूँगी कि ये जो कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, हमें दी हैं, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये दुनियावी कामयाबियाँ हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आजकल हमारे मुल्क और कौम का हाल है, जो माशरे का हाल है, तो हमें इससे बढ़ के कुछ सोचना होगा, इन बच्चों को बताना होगा, इन बच्चों को समझाना होगा। ये बच्चे हमारा कल हैं, ये बच्चे हमारी उम्मीद हैं, ये बच्चे हमारी उम्मीदों का मरकज़ हैं, हमारा असासा है, हमारा सब कुछ है। अजीज़ तलबा, उनके असातिज़ा कराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये तीनों इस कामयाबी के अहम सतून हैं, इनमें से हर एक ने अपना किरदार बतरीके अहसन अदा किया है। ये सब काबिले सताइश हैं और दादो तहसीन के काबिल हैं। अजीज़ तलबा, आप पाकिस्तान का सरमाया हैं, आप पाकिस्तान का असासा हैं, आपकी चमकती दमकती पेशानियाँ रोशन मुस्तकबिल की नवीद दे रही हैं। अपनी सोच बुलंद रखें, अपने मकासद अजीम रखें, जब सोचें तो ताज़ा और असर नौ अंदाज में सोचें। छोटे कामों को हकीर न समझें और बड़े कामों को
नामुमकिन न समझें। अजीज तलबा, अगर रास्ता खूबसूरत हो तो ये ज़रूर देखें कि ये रास्ता जा किधर पर रहा है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो फिर रास्ते की परवाह न करें। हो सकता है इसमें नशेब फराज भी हों, इसमें उतार चढ़ाव भी हों। मेरी तरफ से जितनी भी पोजीशन होल्डर्स तालिबे इल्म हैं, तलबा और तालिबात, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और अच्छे मुस्तकबिल की दुआएं और नवीद। और इसके साथ साथ जितने भी ऑनरेबल डिस्टिंग्विश फैकल्टी है या जो मेरे असातज़ा किराम हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ना किसी कामयाबी पे इतना खुश हों कि आप अपनी खुशी में वो लगन और वो मेहनत भूल जाएं, क्योंकि पोजीशन लेना बहुत आसान है, उसको मेंटेन या सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ये वाली पोजीशन मुबारकबाद, उसकी बहुत बहुत, लेकिन आगे के लिए अपनी मेहनत जारी रखें, इससे ज़्यादा करें असातज़ा इकराम की रहनुमाई के साथ। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आपको अपने असातज़ा का, जो उन्होंने आप पे मेहनत की है, उसका समर आपके सामने आएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। आज का जो हमारा एनुअल डे था वो 2023, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह डेरा बोर्ड के में मैट्रिक और एफएससी की जो पोजीशन होल्डर हमारे पास स्टूडेंट थे, हमने उनको शील्ड्स और इनामात दिए हैं। और आज का जो फंक्शन था, इसमें मैं आपको बताता चलूँ, पिछली मरतबा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमने मैट्रिक में तीनों पोजीशन हासिल की हैं, जो बहुत बड़ा एजाज़ है। और कुर्तबा की तारीख में ये हम 5वीं बार अचीव कर रहे हैं, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया है। तो आज तमाम पेरेंट्स और स्टूडेंट खुश थे, और ये हमारे इस्तादे कराम की अनथक मेहनतों का समर है।